ग्राम बीड में नवीन सड़क बनाने को लेकर पुराना रोड पूरी तरह खोद दिया, साथ ही सड़क बनाने के लिए गिट्टी भी डाली गई, लेकिन उसके बाद काम बंद हो गया। काफी शिकायतों के बाद भी काम चालू नहीं हुआ। वहीं कच्चे रोड से रोजाना हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन निकलते हैं, कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण दुर्घटना हो रही है। वहीं एक बड़ा ट्रॉला उक्त रोड से गुजर रहा था तो ट्रॉली का टायर फट गया। टायर फटने से वहां से एक पत्थर गोली की तरह उड़कर घर के पास बैठे एक बुजुर्ग के सर जा लगा, जिससे उसके खून बहने लगा। ग्रामीणों ने तुरंत ट्रॉली को रोक लिया, वहीं जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। मुंदी मोहन मार्ग पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर बीड़ मुंदी पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने के नाम पर 5 महीने से सड़क को खोद रखा है। वहीं 2 घंटे चले चक्का जाम के बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। वहीं ट्रॉली को पुलिस चौकी में खड़ा करवाया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ओंकारेश्वर माधानता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।